अंग्रेजी का एक शब्द नहीं जानता? थोड़ा बहुत जानता हूँ सर। हाँ तो देखो ये काला अक्षर है तो भैंस के बराबर तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर बहुत अच्छा पापा। ये भैंसिया नंबर वन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब इसका हिसाब लगा रहे हैं कि दूध कितना देगी और कितने किलो रात को जमा होगा। पापा ये आप जो लिखते हैं ना, इसको आपको आपके जाने के बाद में मैं इसको पढ़ता हूँ। अच्छा बहुत अच्छा लिखते हैं आप। ये तो तारीफ है हमारे मुंह से, मेरे लिए तारीफ ही निकलती है भैया। नहीं पापा ये जो आप जो लिखते हैं ना, इसको पढ़ पढ़ के मेरे साथ कुछ हुआ है। हमारे वहाँ पे कहावत है, सुर नर मुनि की है ये रीति, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति। क्या बोले हैं? नहीं पापा स्वार्थ नहीं है, ये प्रीत का मामला है पापा। केवल प्रीत होती है तो स्वार्थ नहीं होता है, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रीत नहीं होती है। सर वो स्वार्थ नहीं है, प्रीत है हमारी। पापा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ करो। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं, बहुत दिन हो गए बात को करने में। वो पापा हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं आपसे बात करूं। आज कैसे आ गई? बस आ गई है, जो आप डायरी में लिखते हैं ना वही पढ़ पढ़ के आ गई। मैं क्या डायरी में लिखता हूँ? वो जो जो खूबसूरत शायरी लिखते ना, उससे फीलिंग्स आई, वो फीलिंग्स प्रीत हो गई सर पापा। किसी से प्रीत हो गई है जी, मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत प्रीत प्रेम प्यार ये सब कुछ हो गया? सब कुछ हो गया। पापा अब विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कितना चाहता हूँ उसको। अच्छा मेरे को तो विश्वास अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है कि तुम किसको चाहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं। लेकिन पापा मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो मेरा बाजार है ना। कौन सा? मीना बाजार। मीना बाजार हाँ। पापा बहुत देखे लेकिन बहुत लड़कियां देखी मैंने, किसी से प्यार नहीं हुआ। वो मीना बाजार में कोठे वाली है ना, उससे बहुत प्यार हुआ। कौन सा नंबर है उसका कोठे का? वो 402 नंबर। 420 तो नहीं है ना? नहीं नहीं 402 नंबर। 402 नंबर पे हुआ है? जी जी। कौन से फ्लोर पे रहती है वो? पापा सेकंड फ्लोर पे रहती है, मीना नाम है उसका। अच्छा मीना बाजार नाम भी मीना और 402 नंबर कमरा है, बहुत खूबसूरत है बाबा। सच कहूं दिल से किसी नवाब की बेटी होगी वो सर। वो नवाबों का आना जाना था ना पहले, खूबसूरत नवाब थे और नजकतिया वहीं से आई है उनको। इससे क्या फर्क पड़ता है बाबा, वो किसकी बेटी है? हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने काम से मतलब है ना। मोहब्बत से मतलब है? मोहब्बत से मतलब। अच्छा फिर अभी आपकी मोहब्बत का क्या किया जाए? पापा मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ। उसके लिए क्या कर सकूँ? वो थोड़ा इकोनॉमिकली कमजोर है, थोड़ा सा वो पैसे पैसे डिमांड कर रही है वो। तो फिर तो मोहब्बत नहीं है ना, फिर तो पैसे से मोहब्बत है। नहीं कुछ उसकी मदर वो है ना, उसकी मदर को प्रॉब्लम है, वो एडमिट हॉस्पिटल उसको वो एडमिट है। तो मदर तो जाने वाली है, जाने दो ना उसको, तुम तो अपने मोहब्बत पे ध्यान दो। तो फिर पापा ये मोहब्बत तो नहीं हुई ना, उसकी माँ मदर चली जाए हॉस्पिटल, उसको ट्रीटमेंट ना मिले, तो ये कोई मोहब्बत नहीं हुई पापा। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ दे दीजिए ना थोड़ा बहुत। किसको? मेरी मोहब्बत के लिए। और तो तुम्हारी लड़की को देंगे तो उसकी लड़की की माँ को, तुम तो उसका पूरा खानदान का ठेका ले लिया है पापा। वो अब चूंकि मोहब्बत कर रहे हैं उससे, तो फिर वो फिर उसकी माँ जो है ना, फिर उससे भी रिश्ता हो जाता है ना पापा। उसको कोई दिक्कत होगी तो पहले माँ से हुआ था कि बेटी से? नहीं पापा नहीं, मतलब बोलते हैं बेटी से। संबंध कहाँ से शुरू हुआ था? बेटी से हुआ था पापा, मैंने माँ तक पहुँच गया। माँ तक एक माँ का रिश्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी बात एक बात बताओ जी, एक कोठा कोठों पे जाके बहुत से जिनके पास जहाज थे, बड़े बड़े जहाज, वो कोठों पे डूब गए। ठीक है ना पापा, सारी कोठे वाली ऐसी नहीं होती है।
सब प्यार की मारी होती है, सब प्यार करती है। बोल पापा आप सही करो, प्यार की मारी हो। जब पैसा पापा वो प्यार की मारी है, दीवानी हो गई वो पापा मेरे लिए। आज तक कितना न्योछावर किया हो उसके ऊपर पापा मुझे पता नहीं, बट आपकी चरण जो साइन करके रखी थी ना पापा, वो सारी खत्म कर दी, वो सारा पैसा कोठे पे पहुंचा है। थोड़ा सा पैसा उसमें कुछ चेक लिया है पापा। कितने चेक पापा? मैंने काउंट तो नहीं करे हैं कितने चेक थे वो, पर मैंने लिए तो हैं। कितने कितने लाख का चेक एट ए टाइम काटा है पापा? उसने बोला था कि 9 लाख का हमें हार चाहिए, तो मैंने एक 9 लाख का मैंने चेक उसको दिया था। ये सबसे बड़ी डिमांड थी उसकी, ये तो दे दिया। और उसके बाद थोड़ा बहुत गया होगा 40,000-50,000, इससे ज्यादा नहीं दिया मैंने उसको। यानी 10-12 लाख पे चढ़े हो? हाँ पापा हो सकता है। और उसने मोहब्बत तुम्हारे साथ कितनी बार की है पापा? वो दिल से प्यार करती है हमको। बेटा मैं पूछ रहा हूँ 12 लाख में कितनी बार मोहब्बत हुई है? पापा वो गिना नहीं जा सकता, वो दिल से प्यार करती है। इतना प्यार कर दिया है कि गिना ही नहीं गया तुमसे? नहीं जा सकता, वो फीलिंग्स है पापा, उन फीलिंग्स को हम काउंट कैसे कर सकते हैं? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल पर एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1000 बार, कितनी बार? पापा क्या कहना चाहते हैं आप? दिल से प्यार किया है कितनी बार का इसमें क्या? अब एक काम करो, तुम हमारा पैसा तो उड़ा दिए हो पापा। आप के क्रोधे बैठे आने रहा, आज से तुम्हारा दुकान पे आना बंद नंबर वन। घर पे रहोगे लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, रोटी पानी मिल सकती है, ठीक है? और उसको जाके जो आपकी चाहने वाली है उसको जाके ये कहो कि बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब बताओ बचपन की प्रीत निभाओगी कि नहीं? पापा वो एग्री है, आप खाने के लिए कह रहे ना, आप खाने पीने के लिए देते रहेंगे, वो मेरे साथ रह लेंगे पापा। तो आप उसी के वहां जाके रह जाओ, मैं खाने पीने के लिए भेज दूंगा। वहां कैसे चलेगा कि आप इतने बड़े शहर के इतने इस मामले में मैं बड़ा बिल्कुल नहीं पापा, आप ही इंसल्ट होगी ना। होने तो मुझे कोई एतराज नहीं, लोग आके बोलेंगे आपका बेटा कोठे पे रहता है, बोलो तो बहुत अच्छी जगह पे। मतलब आपको हमारे प्यार से कोई लेना देना नहीं। मैं तो तुम्हारे प्यार की व्यवस्था कर रहा हूँ कि तुम जाओ उसके साथ ही रहो, दिन रात प्यार मोहब्बत में लीन रहो, रस रस के अंदर लीन रहो। ऐसा भंवरा मतलब जो केवल अपने फूल के ऊपर है मंडराता है और उसी में सो जाता है धीरे धीरे। पापा ये लीन होने के बाद की स्थिति है। दीवानी है उसकी हमारे तो हुए हो, लेकिन लेकिन फूल से रस अभी नहीं निकाला ना तुमने। फूल से रसवा निकालो, उसका हनी बने तब तो जाने। पापा इसीलिए तो कह रहे हैं कि फूल से रस निकले, आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। देखो रो हर महीने के महीने राशन भिजवा देंगे, 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, 10 किलो, क्योंकि उसके चाहने वाले भी तो रोटी खाएंगे ना। नहीं पापा वो वहां नहीं रहेगी, मैरिज करने के बाद में घर आ जाएगी। कौन से घर में? आप अपने साथ रख लीजिएगा बाबा। आप मेरी मोहब्बत को समझिए। अरे बेटा फिर तो तुम्हारी मोहब्बत में खतरा मंडरा जाएगा, अगर वो हमारे घर में आ गई तुमको छोड़ देगी, वो हमारे पास आ जाएगी। पूछो क्यों? वो पूछो क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा तिजोरी की चाबी इस आदमी के पास है, इसके पास क्या है, गुरु घंटाल है इसके पास। पापा कितने लोग तिजोरियां लेके आते हैं कोठे पे, सबको छोड़ के आएगी वो हमारे साथ, सबको छोड़ के आएगी हमारे साथ। तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तेरे यार की सांस चलेगी, लगा इस आदमी के ऊपर निशाना। नहीं पापा जब तक पैर चलेंगे यानी पैसा चलेगा तब तक पैर चलेंगे। नहीं पापा हम इस बात पर विश्वास नहीं करते पापा। मेरा ऐसा मानना है कि जो चीजें पहले हुई हैं
कोई जरूरी नहीं कि वो हर बार होती रहे, उसमें कुछ चेंज हो सकता है। सुनो मेरी बात जी, इस घर में अब मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, किसी वैश्या के लिए कोई जगह नहीं है। एक बात सुन लो ध्यान से, नंबर वन। नंबर टू, जो वैश्या का पति है उसके लिए भी यहां पे कोई जगह नहीं है, समझ गए। हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे घर में बहन बेटियां रहती हैं, आते जाते लोग, और कोई भरोसा नहीं। लखनऊ के कौन से कोने से उसके यार उठ के तुम्हारी बारात में आएंगे, समझ गए पापा। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं, मेरे को बिल्कुल बेटा, मेरे को सुनो मेरे, आप वैसे अगर आज के बाद तुम मेरी किसी चेक बुक को हाथ नहीं लगाओगे, मैं नहीं लगाऊंगा, और वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। प्यार मोहब्बत से जो समझा रहा हूं उसको अच्छी तरह समझ लो, और ये गेट जिससे आए थे तुम उसी गेट से वापस जाना है, सुन लो आगे। आज के बाद तुम घर पे नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए राशन मैं वो बनिए को बोल दूंगा, फला फला कोटे पे ये राशन भिजवाना है, वो भेज दूंगा मैं, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था सब कर दूंगा। उसके वहां पे पखाना है कि नहीं, मतलब आपको हमसे इतना प्यार है, खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे, बट वो हमारा जो प्यार है, हमारी जो मोहब्बत है, आप उससे नहीं मिला सकते। नहीं बेटा, नहीं बेटा, वहां तक आज तक किसी की मोहब्बत हुई है, मोहब्बत और हुई ना है। चली है, ये मोहब्बत हुई है, वो उसको किसी से मोहब्बत नहीं, केवल जो तुम उसको पैसे 9 लाख रुपए का हार, तुम कितने खुश नसीब हो कि तेरे बाप के पास इतना पैसा है कि 9 लाख रुपए से उसके पेट का पानी हिला नहीं, और अगर और एक दो बार तुमने बोला तो हाथ पैर भी चल जाएंगे। मैं अभी तक प्यार से बोल रहा हूं, अब इधर आओ। नहीं पापा, आप मार दीजिए, हमें पीट दीजिए, बट हमें उसके साथ शादी करनी है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, प्लीज पापा आप परमिट कर दीजिए, मुंह बंद करो, जाओ 402 नंबर कोठे पे, मीना बाजार, मीना पापा मैं जा रहा हूँ, बट खाने के लिए भिजवाते रहना। हाँ मैं भिजवा।